गाइस वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हक वॉलेट में कौन कौन यहां पर एलिजिबल निकला, दोस्तों आपको कमेंट कर देना है। और हमने पूरे टास्क आपको प्रोवाइड किए थे, आपने वीडियो फुल वॉच नहीं करी तो इसलिए आपके टास्क छूट गए होंगे। तो अब यहां पर आने के बाद जो हक वॉलेट है उसमें डेवलपमेंट चल रहा है, उसमें वर्क चल रहा है, वरना अभी भी आपका जो एयरड्रॉप है वो हो जाता था। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं, अपने वॉलेट के अंदर ही इन्होंने लिस्ट कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर एलिजिबिलिटी का क्या मतलब है, जो दोस्त यहाँ पर एलिजिबिलिटी को नहीं जानते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप किसी के लिए काम करते हैं तो उसको यहाँ पर एलिजिबिलिटी बोलते हैं। तो इसके ब्लॉकचेन के लिए आपने कितना वर्क किया तो उसके लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी बोलते हैं, जो कि आपको ये पैसे प्रोवाइड करेगा जिसको एयरड्रॉप बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको सीधी भाषा में बता दिया। अब दोस्तों इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जैसे कि आप अगर आपको ये वाला एयरड्रॉप नहीं मिला तो अब आपके सामने एक और ऑप्शन है यहाँ पर हेक्सा एक्सचेंज का। तो दोस्तों हेक्सा एक्सचेंज का एयरड्रॉप को यहाँ पर आपको मिलने से पहले सबसे पहले आपको एक फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, और वो फॉर्म यहाँ पर आप फिल करेंगे। तो वो फॉर्म किस तरह आप यहाँ पर फिल करेंगे, पूरे जो स्टेप है आपके साथ इस वीडियो में शेयर हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है पर इंफॉर्मेशन सही एंड राइट होगी। तो दोस्तों चलिए फटाफट यहाँ पर जो है मैं फॉर्म को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। जब यहाँ पर आप फॉर्म को ओपन करेंगे तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पर फॉर्म को फिल करने जा ही रहा था तो मैंने यहाँ पर सोचा क्यों ना लाइव यहाँ पर आपको वीडियो प्रोवाइड की जाए। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं उसी जीमेल से इसको लॉगिन करूँगा जिस जीमेल से मेरा हेक्सा में अकाउंट है। ठीक है, क्योंकि उसी से यहाँ पर आपको करना है और उसी से यहाँ पर आपको जीमेल भी देना पड़ेगा और शायद वॉलेट का भी यहाँ पर सिस्टम रहेगा। तो पूरे 17 स्टेप हैं यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, कितने स्टेप हैं, 17 स्टेप है। तो 17 के 17 स्टेप यहाँ पर आपको करने हैं कंप्लीट। तो दोस्तों अब ये सबसे फर्स्ट में आपको क्या कह रहा है, सबसे फर्स्ट में कह रहा है कि आपको क्रिप्टो करेंसी यूज़ करते हुए कितने मंथ साल हो चुके हैं। तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि मुझे 2 साल हो चुके हैं तो मैं 2 साल यहाँ पर चॉइस करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन जाएंगे तो 2 नंबर आ चुका है, जो कि 2 नंबर में ये कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी का उपयोग आप क्यों करते हो, उसका मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया कि मैं तो सेविंग के लिए करता हूँ, मैक मनी के लिए करता हूँ। तो आप किस लिए करते हो दोस्तों, आप भी यहाँ पर डाल सकते हो, और भी ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शन है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने 2 कर लिए, मुझे तो 2 बहुत है। अब दोस्तों 3रे नंबर में जो है इनका जो अपडेट है वो क्या है, 3रे नंबर में ये आपसे क्या पूछ रहे हैं। दोस्तों एक सर्वे है, इसके ज़रिए से आपको एयरड्रॉप होने वाला है, इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब ये क्या कह रहे हैं दोस्तों कि आप अपनी जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक्सचेंज पर रखते हो या फिर हार्ड ड्राइव वॉलेट में रखते हो। तो मैं तो दोनों चीज़ पर रखता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मैंने दोनों पे टिक मार्क कर दिया है। अब दोस्तों ये यहाँ पर कह रहे हैं कि आप कौन कौन से वॉलेट जो है वो यूज़ करते हो। ठीक है, तो आप कौन कौन से वॉलेट यूज़ करते हो, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से जितने वॉलेट आप यूज़ करते हो तो उतने वॉलेट यहाँ पर आप चुन सकते हो। ठीक है, तो मैं बायनस चेन का भी जो वॉलेट है वो भी यूज़ करता हूँ, तो मैं बायनस को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन जाएंगे, जैसे कि अब यहाँ पर 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आ चुके हैं 5वें क्वेश्चन पे। तो आपके वॉलेट में मौजूदा क्रिप्टो करेंसी सूची बताएं, यानी कि आपके वॉलेट में जो मौजूदा क्रिप्टो करेंसी है हाल फिलहाल में वो यहाँ पर कौन सी है, उसको यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस्लामिक कॉइन है हमारे पास, ठीक है, जो कि टेस्टनेट का है, और यहाँ पर मैगनेट का भी आने वाला है बहुत जल्द। तो दोस्तों मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, बाइनेंस का कॉइन है दोस्तों मेरे पास। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि हम इस्लामिक कॉइन में यहाँ पर काम कर रहे हैं तो इस्लामिक कॉइन हमारे पास है। ठीक है, तो बाइनेंस का कॉइन हमारे पास है और थिएटर यूएसडीटी हमारे पास है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ऑप्शन चुन सकते हैं, जितने भी आपके पास क्रिप्टो करेंसी है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको नंबर 6 में क्या पूछना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का लेन देन कितने दिन में यहाँ पर आप कर लेते हो कंप्लीट। तो आप यहाँ पर डेली भी डाल सकते हो या फिर वीकली डाल सकते हो या फिर मंथली डाल सकते हो। तो डियर फ्रेंड यहाँ पर आप डेली चुन सकते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पर ज़्यादा वर्क है तो मैं यहाँ पर डेली चुन रहा हूँ। तो आप यहाँ पर वीकली या मंथली चुन सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने जो अब यहाँ पर 7वां नंबर आ चुका है, जो कि 7वां क्वेश्चन आ चुका है। अब 7वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पर ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, आप अपने वॉलेट का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार लेन देन करते हैं, यानी कि आप यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक करते हैं या शॉपिंग करते हैं। तो दोस्तों मैं तो यहाँ पर ट्रेडिंग भी करता हूँ एंड सेंड रिसीव भी करता हूँ, और यहाँ पर मैं स्वैप भी करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये भी हो चुका है। ठीक है, तो अब 7 नंबर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों हम आ चुके हैं 8 नंबर पे। ठीक है, तो क्या आप अपने वॉलेट के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी एप्लीकेशन डीपी
डीपीआर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डेप्स डेव डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल डीफी सर्च थिएटर योर वॉलेट। तो दोस्तों आपको यहाँ पर नो कर देता है, जैसे कि हमें यहाँ पर हमने किया ही नहीं, हमने कोई परचेसिंग नहीं किया है, तो हम यहाँ पर इसको नो कर देंगे। ठीक है, तो नो हम इसको कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे सामने दो क्वेश्चन यहाँ पर चले गए, यानी कि 7-8 हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब हमारा यहाँ पर आ चुका है ये वाला। ठीक है, तो इसको भी मैंने यहाँ पर नो कर दिया है। तो अब ये यहाँ पर कह रहा है कि क्या आप अपने वॉलेट का उपयोग टोकन NFT संग करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों हाँ, मैं यहाँ पर NFT के लिए करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पर यस कहेंगे, यानी कि NFT यस कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम डाल देते हैं इसका नाम OPBNB। ठीक है, OPBNB में हमने एक ब्रिज किया है जो कि वो हमारे पास है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे सामने जो ऑप्शन है वो आ जाता है दोस्तों। मेरा क्या, यदि आप NFT करते हैं, NFT को यहाँ पर आप मिंट करते हैं, तो आप किस तरह करते हैं, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, क्योंकि यस का ही ऑप्शन है। यदि हाँ, तो आप यहाँ पर कैसे बता सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर डाल देंगे ब्रिज। ठीक है, ब्रिज। ठीक है, ब्रिज करने के जरिए से हम यहाँ पर NFT को मिंट करते हैं। ठीक है, तो अब ये भी हो चुका है दोस्तों, और यहाँ पर आप यस कर देंगे। ठीक है, यस कर देंगे, ब्रिज हो गया आपका, यहाँ पर भी यस कर देंगे। ठीक है, तो अब इससे ऊपर वाले जो क्वेश्चन है उसमें ये यहाँ पर कह रहे हैं, क्या आपके वॉलेट में कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिसको आप यहाँ पर मिस करते हैं और वो यहाँ पर होनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर दे दिया कि फेस ट्रांजेक्शन, यानी कि फेस देखने के बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन हमारा होना चाहिए। ठीक है, जिसको यहाँ पर बहुत ही गजब का यहाँ पर ट्रांजैक्शन इसको माना जाएगा। अगर फेस देखने के बाद हमारा ट्रांजैक्शन होगा तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। तो दोस्तों मैंने तो यहाँ पर फेस देखने के बाद ट्रांजैक्शन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर डाला है। अब दोस्तों आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, मुझे तो ये यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है, यानी कि पहले हमारा फेस शो करेगा फिर हमारा ट्रांजेक्शन होगा, तो इससे अच्छी बात नहीं है दोस्तों। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लास्ट के ऑप्शन में, अब इनके बोनस के लिए आप रेडी है, आप यहाँ पर अपना जीमेल दे सकते हैं जिसमें आपका हेक्सा नेटवर्क ज्वाइन है, जिससे वो यहाँ पर आप जीमेल दे दीजिएगा। ठीक है, तो अब वो जीमेल यहाँ पर आपको डालना है, एंड डालने के बाद अब आपका फॉर्म रेडी हो चुका है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ एक बार फिर किस तरह से आपको यहाँ पर फॉर्म को फिल करना है दोस्तों। चलिए ये वाला प्रोसेस यहाँ पर आप कंप्लीट कर लीजिएगा, जब ताकि आप यहाँ पर एडोप्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो पहले आपको मोटा मोटा बताना चाहूँगा, आप कितने दिन से क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करते हैं, आप यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, आप यहाँ पर कौन कौन सा हार्ड ड्राइव वॉलेट या यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर किन किन वॉलेट को यूज़ करते हैं वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ गया, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपके वॉलेट में अब कौन कौन सी करेंसी है, यहाँ पर इस्लामिक कॉइन, बाइनांस का कॉइन, थिएटर है। और दोस्तों अब यहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसी को डेली ट्रांजैक्शन करते हैं कि नहीं करते वो यहाँ पर आप देंगे, एंड यहाँ पर आप रिसीव करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्टॉक करते हैं, क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर स्वैप करते हैं और सेंडिंग एंड रिसीव करते हैं और यहाँ पर ट्रेडिंग भी करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर यस या नो कर देंगे आप। ठीक है, तो मैंने यस किया, आप यस करेंगे और फिर यस करेंगे, और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि NFT आप यहाँ पर ब्रिज करते हैं कि नहीं करते, तो हमने ब्रिज लिख दिया, यस लिख दिया, यस लिख दिया, और फिर इसके बाद नो लिख दिया दोस्तों, और यहाँ पर हमने अदर डाल दिया, यानी कि स्पीड। ठीक है, ये यहाँ पर हमसे पूछ रहे थे कि आप यहाँ पर जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस होती है, तो यहाँ पर मैं स्पीड डाल दिया हूँ, एंड यहाँ पर स्पीड डाल दिया हूँ नीचे भी, एंड यहाँ पर फेस टू ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब दोस्तों नीचे इनके ये जो एडोप है उसको पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक जीमेल यहाँ पर आपको दे देना है जो हेक्सा एक्सचेंज में रहेगा। ठीक है, तो ये स्टेप यहाँ पर आपके कंप्लीट हो गए, अब आपको कर देना है फॉर्म को सबमिट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्म सबमिट हो गया, अब यहाँ पर आप एडोप के लिए एलिजिबल हो गए। तो दोस्तों ये यहाँ पर अपडेट, अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आपको कर लेना है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।